तो गुरु जी तो चाहते हैं कि ये चेला हमारा बना रहे,
और हमारी सेवा करो और हमको भेंट पूजा दो, है ना। तो कभी कभी गुरु जी के मन में अविश्वास न आने पाए हमारे लिए, है ना। गुरु जी प्रयोजनवान है और शिष्य निष्प्रयोजन है। शिष्य तो छोड़ के जा भी सकता है ना, लेकिन गुरु जी न छोड़ रहे हैं उनका प्रयोजन पूरा होगा, बोला। तो गुरु जी को प्रयोजन वाला बना देना और स्वयं निष्प्रयोजन हो जाना, ये जिज्ञासु का लक्षण नहीं है। जिज्ञासु का ही प्रयोजन पूरा होता है कि सकल अनर्थ की निवृत्ति होकर के उसके परमानंद की प्राप्ति हो। इसलिए शिष्य को ही अपने प्रति, है ना, अपने को इस ढंग से रखना चाहिए, है ना, अपने हृदय को ऐसा बनाना चाहिए कि उसमें श्रद्धा और विश्वास बना रहे। श्रद्धा विश्वास अज्ञानी की संपत्ति है। श्रद्धा विश्वास है जो अपने अंतःकरण को शुद्ध करना चाहता है उसकी संपत्ति है। तत्वज्ञानी की संपत्ति श्रद्धा विश्वास नहीं है। जो सब जानता है उसको कहीं श्रद्धा नहीं करनी पड़ती। जो ईश्वर जानता है उसको ईश्वर पर श्रद्धा करना नहीं पड़ता, वो तो ईश्वर को जानता है। ईश्वर ऐसा है, ईश्वर हमारा आत्मा है, है? और अपना आत्मा अनंत खंड द्वितीय परिपूर्ण ब्रह्म है, ये तो उसका अनुभव है। और सब पूछो तो ये अनुभव जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये तीसरे नंबर का है ना, क्योंकि उसको दोहराने की जरूरत, अपने मन में भी दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये सत्य ऐसा है। सत्य तो सत्य ही है, उसको दोहराने की क्या जरूरत। तो प्रयोजन जो होता है वो शिष्य के चित्त में होता है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा सत्य मात्र श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। जीवन में व्रत हो तब दीक्षा मिलती है। दीक्षा से दक्षिणा कौशल दक्षता प्राप्त होती है। व्रतो न दीक्षा मापनोती, दीक्षा मापनोत दीक्षापनोती दक्षिणा, दक्षिणा माने कुशलता दक्षता, दक्षिणा श्रद्धा मापनोती, दक्षता से श्रद्धा की प्राप्ति होती है। श्रद्धया सत्य माप देते श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। तो विधि पूर्वक की शक्ति का अर्थ क्या है? विधि पूर्वक का अर्थ ये है कि उपनिषद में गुरु के संदेह है। एक तो दो प्रकार के विधान है शास्त्र, एक स्वाध्याय है, मनुष्य को स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए। एक स्वाध्यायाध्ययन की विधि है और एक विधि है तद विज्ञानार्थम स्व गुरु मेवाभिगच्छे, परमात्मा का विज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाए। तो स्वाध्याय का अध्ययन दूसरी चीज है। स्वाध्याय के अध्ययन से शब्द राशि का ज्ञान होता है। वेद वेद में कितने मंत्र हैं, कहा कौन सा स्वर उदात्त है, कौन सा अनुदात्त है, कैसे उच्चारण करना चाहिए, और पदार्थ ज्ञान, पदार्थ ज्ञान होता है, वाक्यार्थ ज्ञान होता है। ये स्वाध्याय अध्ययन की विधि है। तो जब वो कभी आदि संस्कार से संपन्न होकर गुरुकुल में निवास करके ये स्वाध्याय अध्ययन करना चाहिए, इससे वेदार्थ का ज्ञान होता है। परंतु परमात्मा का ज्ञान सद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छे, समदमादि संपत्ति जो है वो स्वाध्याय के अध्ययन में जरूरी नहीं है। वैराग्य हो या तब वेद पढ़े ये जरूरी नहीं है। वेद पढ़ना तो चाहे विरक्त हो चाहे अनुरक्त हो, जो यज्ञ कवितादि संस्कार संपन्न है उसको वेद पढ़ना ही चाहिए, ये विधान है ना।
बल्कि एक बात आपको और सुनाने, पहले वेद की रक्षा के लिए एक नियम था, बहुत बढ़िया नियम था, जब तक वेद न पढ़े तब तक द्विजाति का विवाह ही मत करो। 48 वर्ष का ब्रह्मचर्य पालन करना पड़े, है ना, 24 वर्ष का ब्रह्मचर्य पालन करना पड़े। वेदान अधीत्य वेद उगा वेदम बापुर यथाक्रम, अरे तुम तक ब्रह्मचर्य लक्षण याम श्री मुद गए। मनु जी ने कहा कि पहले वेद पढ़ ले तब ब्याह करो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वेद जो है वो विरक्त के लिए, अनुरक्त के लिए, रागी के लिए, विरक्त के लिए, सब संस्कार संपन्न ब्राह्मण क्षत्रिय वंश के लिए वेद अध्ययन अनिवार्य है। लेकिन ये ब्रह्म का जो ज्ञान है ना, ये सबके लिए अनिवार्य नहीं है। ये किसके लिए है, इसी के अधिकारी बोलते हैं, शांत दांत उपर तस्थ समाहिता श्रद्धा भुक्त भूतवा आत्मन आत्मान पश्चिम परिष्ठ देता कर्म पिता ब्राह्मणों निर्वेद मायात नाप्यकृत कृतेण। विवेक करके, वैराग्य करके, समदमादि से संपन्न होकर के सब ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। तो ब्रह्म जिज्ञासा जो है वो तद जिज्ञासस्व तद ब्रह्म, सृष्टि स्थिति प्रलय का जो कारण है उसकी जिज्ञासा करो, वो ब्रह्म है। जब आपको देखो थोड़ा भेद बताते हैं, स्वाध्याय का अध्ययन मनुष्य का कर्तव्य है, अपनी शाखा का वेद मनुष्य का कर्तव्य है, तो इसलिए वेद का अध्ययन करना चाहिए। और वेद का अध्ययन करने पर, ज्ञान होने पर भी, फिर इसमें जो बताए हुए कर्तव्य हैं, कर्म है, उनका पालन अलग करना पड़ता है। यज्ञ करो, पहले पढ़ो फिर यज्ञ करो, और उसके बाद उसका फल प्राप्त करो, और बाद में। तो स्वाध्याय अध्ययन की विधि, यज्ञादि का अनुष्ठान और स्वर्गादि रूप फल की प्राप्ति, ये तीनों वेद का अध्ययन हुआ। और ब्रह्म का अध्ययन क्या हुआ, अभी भी भगवो ब्रह्म, ब्रह्माध्ययन क्या हुआ, बोले विवेक वैराग्य समगमादि संपत्ति से संपन्न होकर गुरु की शरण में जाकर, गुरु की शरण में जाकर आत्मा और परमात्मा की जो उपाधि है अंतःकरण और अंतःकरण और अभ्याकृत अविद्या और माया, इस उपाधि का तिरस्कार करके दोनों में जो सच्चिदानंद घन चैतन्य ब्रह्म है उसकी अद्वितीयता को, प्रत्येक चैतन्याभिन्न ब्रह्म की अद्वितीयता को जानो, नारायण करो, द्वैत की निवृत्ति हो जाएगी, अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी। तो ये जो विधिवत उपशक्ति है, ये जो वेदाध्ययन करना चाहते हैं उनकी नहीं है, जो ब्रह्म विज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए है। तद विज्ञानार्थम स्वगुरु में वादिगते, तो गुरु का अभिगमन करे। अब जाकर के देखो, यहाँ तो प्रश्न है, कस्मिन् नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, वो कौन सी व्यक्ति है जिसका विज्ञान प्राप्त हो जाने पर ये सब विज्ञान हो जाता है। तो शौनक जी को ये बात मालूम थी कि वेद में ऐसी वस्तु का वर्णन है कि एकस्मिन् विज्ञाते सर्वविद् भवति, इति शिष्यक प्रबादं श्रुतवान शौनका। शौनक ने ये शिष्यक प्रबाद श्रवण किया था कि कोई ऐसी वस्तु है जिसके विज्ञान से सर्वविज्ञान हो जाता है। उसी की जानकारी के लिए, सामान्य दृष्टि से जान करके विशेष दृष्टि से जानने के लिए शौनक ने ये प्रश्न किया। अब इसके संबंध में और व्याकरण सिंधी कैसे शब्द का प्रयोग करना, वो बात अलग है। अब इसका उत्तर देते हैं, उत्तर क्या देते हैं, तस्मै स होगा तो द्वे विद्ये वेदितव्ये,
स्मृति हस्म यद ब्रह्म विदो गदंती परा चैवापरा तो तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम् निरुक्तम् छन्दो ज्योतिषमिति। अब प्रश्न ये है कि ये एक वस्तु कौन है जिसके विज्ञान से सबका विज्ञान होता है। अब प्रश्न तो ये है तो यही बताना चाहिए ना कि वो कौन सी वस्तु है। जो बात पूछी गई वही जवाब देना चाहिए, वही उत्तर देना चाहिए, परंतु बिना पूछे ही अंगिरा ऋषि है ना दूसरा उत्तर देते हैं, मन क्रम से उत्तर देना चाहते हैं, बात को पूरी तरह से समझाना चाहते हैं, इसलिए बताते हैं कि क्रम क्रम से बात को समझो। विद्या जो है तस्मै सौ उवाच, तस्मै सौ नकाय सौ अंगिरा निश्चितम उवाच हिल उवाच। उस प्रश्न करने वाले सैनक के प्रति अंगिरा ऋषि ने ये उत्तर दिया। ह शब्द का अर्थ है हिल, यह आह नहीं है ह है, तस्मै सौ माने फूल निश्चिताम निश्चय उवाच। क्या बताया वे विद्ये देवी कव्ये, दो विद्या जाननी चाहिए। इति हस्म यद ब्रह्म विदो गदंती परा चैवा परा च, ये द्वे में से द का लोप करके गुजराती लोग दे बोलते हैं, हो है ना दे है ना, तो दे कहाँ से आया, ये द्वे में से द का लोप हो गया और वे निकल आया तो दे बोलते हैं, दे माने दो, और विद्या माने जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम विद्या, विद्यते अनया, जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम विद्या। वो विद्या जो है वो देवीपद्य है, देवीपद्य है माने जानने योग्य है, दो प्रकार की विद्या जानने योग्य है, एक स्वाध्याय विधि से प्राप्त और एक ब्रह्म जिज्ञासु रूप अधिकारी के लिए प्राप्त। हस्म यद इति हस्म यद ब्रह्म विदो गदंती, क्योंकि ये बात जो ब्रह्मवेत्ता लोग हैं, जो ब्रह्मवेत्ता माने वेदार्थ के अभिज्ञ परमार्थदर्शी, जो ऐसा कहते हैं, चलो कौन सी दो विद्या है, तो परा चैव अपरा च, एक परा विद्या है और एक अपरा विद्या है। ये परा विद्या और अपरा विद्या क्या है, अपरा विद्या माने लोक पर लोक की विद्या और परा विद्या माने परमार्थ की विद्या, परा विद्या माने परमार्थ। हम पहले अनुभूति प्रकाश बहुत करते थे, विद्यारण्य स्वामी ने संस्कृत में उपनिषदों का अभिप्राय बताने के लिए एक अनुभूति प्रकाश नाम का ग्रंथ लिखा है ना, तो उसमें इसी प्रसंग की जब व्याख्या मुंडको परिषद की आई है, हम जाते थे मोसलपुर के बाबा का दर्शन करने के लिए, तो अनुभूति प्रकाश को साथ रख लेते और जब नाव पर बैठते कोई तीन मील दो मील नाव से जाते, क्योंकि गंगा जी के बीच में रहते थे, नाव करके बैठ नहीं करता, तो पहले बैठ जाते नाव पर, तो दो तीन मील पहुंचने में नाव को आठ घंटा पौन घंटा लगता, कभी हवा अनुकूल हो तो, नहीं तो घंटे डेढ़ घंटे लग जाए, तो उतनी देर नाव पर बैठे बैठे अनुभूति प्रकाश रखते थे। तो अनुभूति प्रकाश ने जो परा विद्या और अपरा विद्या का भेद बताया है वो ये बताया है, नानुष्ठानम बिना वेद वेदनम पर्यवस्यति, ब्रह्म भीष्टावतैवस्यात् फलदेति परामता। ये हमारे उस समय का श्लोक याद है, 17-18 बरस की उम्र से थे ना, और जाते थे परा विद्या क्या है और अपरा विद्या क्या है, तो देखो अपरा विद्या वो है
मानस्थानम बिना वेद वेदनम पर्यवस्यति। किसी में ये संध्यास होम कैसे करना, तो दूधी कैसे बनाना, अग्निस्थापन कैसे करना, कुछ कंडिका कैसे करना है ना, होम किस वस्तु का करना है ना, कैसे मंत्र का पाठ करना, कहीं स्वर का अपराध हो जाए तो मंत्र बिगड़ जाए हो, मंत्रो ही न स्वर तो वर्णतो मिथ्या प्रयोग को न समर्थमा हो, मिथ्या प्रयोग मंत्र का नहीं हो गए, नहीं तो इंद्र सत्रो विवर भस्व की तरह गड़बड़ी हो जाती है ना। तो अच्छा मान लो वेद तो पढ़े लेकिन होम न करे, यज्ञ न करे, वेदी न बनाए, कुछ चंडिका न बनाए है ना, स्वर्ग के लिए यज्ञ जागा भी न करे, अंतःकरण शुद्धि के लिए यज्ञ जागा भी न करे, तो वेद पढ़ने का फल कहाँ निकला। मानुष्ठानम बिना वेद वेदनम पर्यवस्यति, बिना किए वेद का ज्ञान सफल नहीं होता। लेकिन ये परमेश्वर नाम अपरा विद्या है, और परा विद्या कौन सी है, तो ब्रह्म भी सावतव किरा फलदा परामता परामता। ब्रह्म ज्ञान जो है, ब्रह्म विज्ञान जो है, वो केवल ज्ञान मात्र से ही फलप्रद है। अब अपरा विद्या और परा विद्या का आपको जरा सा और भेज बताता है। एक आदमी ने अपने को मनुष्य जाना, परंतु मनुष्य का बर्ताव नहीं किया, पशु का बर्ताव किया, तो उसको मनुष्य जानना उसका व्यर्थ हो गया ना। जानता है कि मैं मनुष्य हूँ, पर मनुष्य के जो कर्तव्य है उनका पालन नहीं करता है, तो अपने को मनुष्य जान करके क्या किया उसने। अच्छा एक ने अपने को जाना कर्ता, ये कर्तात्म विज्ञान है ना, ये भी परा विद्या का विषय नहीं है। अपने को जाना करता कि मैं पाप का करता हूँ, मैं पुण्य का करता हूँ, और जो मैं करूंगा वो मेरे साथ जुड़ेगा, और फिर भी पाप करे और पुण्य न करे, तो उसको अपने को करता जानने का जो विज्ञान है वो व्यर्थ हो गया। तो मानुष्ठानंद अपने को यदि करता समझते हो तो पाप मत करो, पुण्य करो, पूर्ण करके हृदय शुद्ध करो या परलोक बनाओ, अपने को देह से परे समझो, स्वर्ग में जाओ है ना, अपने को देहाती समझो, कर्ता जानने का यह अभिप्राय, ये अपरा विद्या हो। लेकिन जब अपने को रुप्त शुद्ध बुद्ध मस्त अखंड अद्वय पर ब्रह्म परमात्मा जानते हैं साहब, बोले अब क्या कर्तव्य है। जहाँ अपने को कर्ता जानेंगे वहाँ कर्तव्य होगा, जहाँ अपने को भोक्ता जानेंगे वहाँ भोक्तव्य होगा। शेष जोदयाल जी निष्काम कर्म का बड़ा जोर शोर से प्रतिपादन करते थे, तो आप जानते हैं लोकमान्य तिलक निष्काम कर्म का प्रतिपादन करते हैं तो वो तत्व ज्ञान होने के बाद कर्म करना चाहिए इस बात पर जोर देते हैं, और शेष जोदयाल जी की जो तत्व विवेचनी टीका है ना गीता, तो मैं तो वो जब लिखी जा रही थी तो बिल्कुल साफ ही साफ था, बांकुड़ा में ही रहता था मेरा, तो वो निष्काम कर्म पर बहुत जोर देते थे। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि कोई अपने को भोक्ता जानता है और भोग की दृष्टि है मेरी है, भोग की दृष्टि मेरी है, और भोग के संबंध से सुख मिलता है, भोग के संबंध से दुख मिलता है, तो जब तक अपने में भोक्तापन की भ्रांति रहेगी तब तक कोई निष्काम कैसे होगा। ये बात मैंने सोची थी, कही देश भी बड़े निपुण से है, तो देश भी बोले कि पंडित जी, मैं पंडित जी था, मैं तो जो गीता प्रश्न है गीता प्रश्न था तो पंडित जी ही था, तो बोले कि पंडित जी मैं निष्काम कर्म कहता हूँ तो उसका मतलब आत्यंतिक निष्कामता नहीं होती, मेरा मतलब तो व्यवहार में सामान्य रूप से निस्वार्थ भाव से आदमी काम करे, निस्वार्थ भाव से परोपकार करे, ज्यादा स्वार्थी न बने, मनुष्य के लिए जो निस्वार्थ होना धर्म है उसका वर्णन करता है, और जो काम कर्म की आत्यंतिक निवृत्ति है
वो तो जब कर्तापन की आत्यंतिक निवृत्ति होवे ब्रह्म ज्ञान से, भोक्तापन की आत्यंतिक निवृत्ति होवे ब्रह्म ज्ञान से, तब कर्तापन और भोक्तापन जब वस्तुतः निवृत्त हो जाएगा तब काम कर्म भी वस्तुतः निवृत्त हो जाएंगे। बिना काम कर्म से छूटे, बिना ब्रह्म ज्ञान के काम कर्म से छूटे नहीं, और काम कर्म से छूटे नहीं नारायण तो निष्कामता है ना आवेगी कहाँ से, निष्कर्मता होगी कहाँ से। तो ये पराअपरा विद्या का भेद है। तो परा विद्या जो है वो ब्रह्म विद्या है, और अपरा विद्या जो है कर्तृत्व भोक्तृत्व का जो कर्तरात्म विज्ञान भोक्तरात्म विज्ञान, अपने को कर्ता समझना भोक्ता समझना, इसका नाम अपरा विद्या है। अब गिनती कराते हैं तो देखो ये शंकराचार्य भगवान ने अपने भाष्य में इस प्रसंग में लिखा है, क्या लिखा है बताना तो ये चाहिए कि एक ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर सर्व का ज्ञान हो जाता है, सीधे उत्तर देना चाहिए। ये प्रतिवचन में घुमाव फिराव क्यों है? तो उन्होंने बताया कि ये अपरा विद्या जो है वो तो अविद्या ही है, अपरा ही विद्या, अविद्या का निरा कर्तव्य। ये अपरा विद्या जो है वो तो अविद्या ही है और इसको दूर करना चाहिए। तद विषय ही विदिते न किंचित तत्व तो विदितम स्यात्। यदि केवल अपरा विद्या का विषय तुमने जाना तो कुछ नहीं जाना, निराकृत्य ही पूर्व पक्षम पश्चात सिद्धांतो वक्तव्य भवती इति न्यायात्। इसलिए पूर्व पक्ष के रूप में यहाँ अपरा विद्या का वर्णन है और उत्तर पक्ष के रूप में परा विद्या का वर्णन है। तो बोले अपरा विद्या कौन कौन सी है उसकी गिनती कराते हैं। तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति। तत्रापरा, अब अपरा विद्या क्या है? ऋग्वेद शब्द राशि हो, अग्निवेदे पुरोहितम, यहाँ से प्रारंभ होकर के जो शब्द राशि है वो ऋग्वेद है, और यजुर्वेद जो है वो सामवेद अथर्ववेद, ये चार वेद हैं। ये तो कई कई संहिताएं हैं ना, सहस्त्र वर्तमान सामवेद, सामवेद की तो हजार शाखाएं हैं। तो ये भिन्न भिन्न शाखाओं वाले चारों वेद और शिक्षा है ना, कैसे शब्दों का उच्चारण करना ये बताने के लिए प्रत्येक शाखा की अलग अलग शिक्षा होती है और कल्प सूत्र होते हैं है ना, जो उनके प्रयोग की विधि बताते हैं, और व्याकरण है जिससे शब्द की निष्पत्ति होती है। तो वेद के व्याकरण को प्रातिशाख्य बोलते हैं, सामान्य रूप से तो पाणिनीय व्याकरण आदि जो व्याकरण है वो सब में चलते हैं, लेकिन वेद का एक व्याकरण होता है प्रातिशाख्य। और जैसे अमर कोश आदि लौकिक कोश होते हैं, वैसे वेद में शब्द की व्युत्पत्ति बताने के लिए निरुक्त है, निर्वचन करने वाला शास्त्र एक प्रकार का कोश है, दिग्दर्शनी डिक्शनरी है, डिक्शनरी जिसको बोलते हैं ना, दिग्दर्शनी दिशा मात्र, शब्द की दिशा बता रहे, किस धातु से निकला, इसकी क्या व्युत्पत्ति है, इसमें क्या प्रत्यय होता है, निरुक्त। और छंद जो वृत्त होते हैं है ना, प्रस्तुत गायत्री अनुशोक जगति, ये जो छंद होते हैं वेद में, छंद का निर्णय। और ज्योतिषाम, बसंत ऋतु कब होती है जब अग्निधान करना चाहिए, बसंत अग्नि आदि तो बसंत ऋतु में अग्निधान करना चाहिए, पर ज्योतिष के बिना बसंत ऋतु का पता ही नहीं चले। वर्ष पौर्णमास करे यही करे है ना, तो वर्ष पौर्णमास का ज्ञान ही नहीं होगा बिना ज्योतिष के। तो ये छह अंग है, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त खंड और ज्योतिष, ये वेद के छह अंग हैं। और ये चतुरंग वेद पुरुष है, चतुर चतुर्व्यूह है, चतुर्व्यूहात्मक वेद पुरुष है, इसको बोलते हैं अपराध विद्या। माने इसको यदि कोई पढ़ लेगा तो भी वो संसार को ही जानेगा, संसार के सिवाय और कुछ नहीं जान सकता। संसार माने कीट पतंग से लेकर के ब्रह्मा तक,
और एक अणु से लेकर के प्रकृति पर्यंत व्यावहारिक ज्ञान है। व्यावहारिक ज्ञान उसको प्राप्त होगा, इस व्यावहारिक ज्ञान को देने वाली जो विद्या है उसको अपरा विद्या कहते हैं। स्वर्ग क्या है और वो किस प्रकार यज्ञ करने से प्राप्त होता है और लोक में कैसे रहना चाहिए, ये सब अपरा विद्या से मालूम पड़ता है। अतः परा अपरा विद्या का वर्णन करते हैं। तो देखो अपरा विद्या में जो क्रिया कारक फल का विवेक है, कौन सी क्रिया कैसे करना और उसमें सुर्ख श्रुवा आदि जो है वो कैसे होना और यजमान कैसा होना, ब्रह्मा कैसे होना, है ना, अध्वर्गु कैसा होना, उद्गाता कैसा होना, तो ये सब रीति नीति बताने वाली क्रिया कारक और उसके करने से फल क्या होता है, ये सब अपर विद्या का विषय है। लेकिन ये विद्या वास्तव में विवेक नहीं है, क्योंकि इसमें तत्व का विवेक नहीं है। ये सारे भेद तो अविद्यात्रित हैं, एक अखंड परमात्मा को न जान करके ये सारे भेद बनाए गए हैं। इसलिए यदि कोई जान ले कि ज्योतिष होम करने से कैसे किया जाता है और उसको क्या फल मिलता है, ज्योतिष होम जान ले, सहस्रामणि जान ले, है ना, पशु याग को जान ले, है ना, तो उसको जान लेने से जान के करे और करके उसका फल भी प्राप्त करे तो स्वर्ग में जाकर के अंत में उसको लौटना पड़ेगा। इसलिए ये व्यवहार प्रतिपादक विद्या होने के कारण अविद्या के विषय में ही घूमती रहती है। तो तत्व साथ ज्ञान तो कुछ होगा नहीं, इसलिए शंकराचार्य भगवान ने कहा कि अपरा ही विद्या अविद्या। अपरा विद्या तो असल में अविद्या है और सा मेरा कर्तव्य भगवती, तो वो तो मेरा कर्तव्य है। तद विषय ही विदिते न किंचित तत्व तो विदितम स्यात्। यदि अपरा विद्या का विषय जान लिया तो कुछ नहीं जाना। तो बोले अब असल में पर विद्या को जानना चाहिए। पर विद्या माने श्रेष्ठ विद्या हो, परा विद्या। एक अपरा विद्या है और एक परा विद्या है। तो कहना है अथ इदानीम परम परा विद्या उच्यते। ये परा विद्या बताई जाती है। कौन सा अथ परा यया तदक्षरम अभिगम्यते यदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अधर्मम अचक्षुश्रोत्रम तदपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तदव्ययम यद्भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः। अतः परा अब परा विद्या का वर्णन प्रारंभ करते हैं। ऐसी विद्या आश्चर्यजनक चमत्कारकारी है। जैसे देखो आप किसी दूसरे के बारे में कोई भी बात जानो, अच्छा है कि बुरा है, एक भले मानुष को जान लिया कि बहुत भला है तो उससे प्रेम करने का मन होगा। हमने सुना पहले कि गांधी जी गर्भा के पास सेवा ग्राम में रहते, बहुत भले माने का। तो मन हुआ कि चलो काशी से चल के उनको देखते हैं कि कैसे हैं, है ना। तो गांधी जी के बारे में ज्ञान हुआ तो उनको देखने की इच्छा हुई, और देखने की इच्छा हुई तो बाबा गर्भा आए, है ना, गर्भा से पैदल चल के सेवा सेवा ग्राम में। तो गाँव के एक शिक्षा नाम है सेवा ग्राम तो पीछे कर दिया। तो अब ये एक ज्ञान ऐसा हुआ कि जिस ज्ञान से इच्छा का उदय हुआ, इच्छा के बाद फिर प्रयत्न हुआ और प्रयत्न के बाद उसके फल की प्राप्ति हुई। गांधी जी को देखा, है ना, महाराज एक घर में जाके कहीं ठहर गए। थोड़ी देर के बाद ज्ञान हुआ ये तो अच्छा आदमी नहीं है, है ना, ये हमको रात को धोखा देगा। ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ तो ये इच्छा हुई कि भाग चले, है ना, बात कर। अब वहां से भगे महाराज और रात को मूलों चल के तो दूसरे गांव में जाके सब ठहरे। तो क्या हुआ, तो उसकी बुराई का ज्ञान होने पर त्याग की इच्छा हुई और त्याग की इच्छा होने पर भागने भागना हुआ, प्रयत्न हुआ और फिर उसका फल मिला तो हम उसके ठगी से बच गए। तो अपरा विद्या इसी को कहते हैं, इसका नाम अपरा विद्या है।
जानने के बाद इच्छा हो, इच्छा के बाद प्रयत्न हो और प्रयत्न के बाद सफलता मिले, ये भी विद्या है। पर ये दुनियादारी की विद्या है और परा विद्या तो महाराज पहले ठगा के आओ नारा। ये बड़ी विचित्र बात है, बोले संसारी लोग सुने तो डर जाए, इसलिए हम बताते ही नहीं है संसारियों को, बोला डर जाए। तो यदि त्याग में तुम्हें डर लगता है, अभी आज सवेरे सुना रहा, मैंने सुनाया वहां सहरसा, एक विज्ञान में कोई अनुसंधान कर रहा था तो उसके सामने पेश आया हो, तो वैज्ञानिकों को बड़ी जिज्ञासा थी कि इस विष में कोई स्वाद है कि नहीं। वो जो बड़ा भारी विष के नाम से आजकल कहा जाता है ना, यही विष है क्या? हाँ हाँ, यही विष था। वैज्ञानिकों के मन में जिज्ञासा हुई कि इसमें कोई स्वाद है कि नहीं। अब वो भले मानस अनुसंधान कर रहा था, उसने उठा के उस विष को अपनी जीभ पर रख लिया और लिखना शुरू किया, है ना। जैसा जैसा उसको अनुभव होता गया, लिखते मर गया, है ना। जान बूझ के खाया कि हम स्वाद का अनुसंधान करेंगे और दुनिया को एक बहुत बड़ी चीज दे के जाएंगे। हम तो मरेंगे लेकिन दुनिया को ज्ञान दे करके जाएंगे। जिज्ञासु की वृत्ति ऐसी होती है ना। श्रुति कहती है कि मैं मर जाऊं, मैं बाधित हो जाऊं, मैं मिथ्या सिद्ध हो जाऊं और परमात्मा सत्य सिद्ध हो जाए, है ना। परमात्मा के सत्यत्व का प्रतिपादन करके श्रुति अपने को बाधित कर देती है, मिथ्या कर देती है। इसका नाम अनुसंधान है। और अनुसंधान माने क्या है? तू प्रभु जी है, मैं मर जाऊं, इसका नाम अनुसंधान है। मैं तुझे ब्रह्म मिले, ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो और हमारा जो अहम है ना, हमारा ये छोटा अहम है, कर्ता भोक्ता संसारी परिच्छिन्न जो अहम है, ये मर जाए। जिज्ञासु का मतलब होता है अहम को मार करके सत्य का अनुसंधान करना। और आजकल ये देखो भाई, बुरा मत मानना, आप लोग तो सब बहुत बड़े लोग हो, आपके बारे में कुछ नहीं कहता। आजकल जैसे हमारे श्रेष्ठ लोग होते हैं ना, तो कहते हैं जैसे श्रेष्ठों में तो हमारी बड़ी इज्जत है क्योंकि हमारे पास करोड़ रुपए हैं, अच्छा मोटर वालों में हमारी बड़ी इज्जत है क्योंकि बड़ी भारी मोटर है हमारे पास, और सुंदर पत्नी वालों में हमारी बड़ी इज्जत है क्योंकि हम विलायत से ले आए हैं, है ना। वो अपने को बहुत बढ़िया मानते हैं, तो कहते हैं कि अब वेदांतियों में भी हमारी इज्जत होनी चाहिए नारायण, वेदांतियों में भी हमारी इज्जत होनी चाहिए कि देखो इतनी बड़ी संपत्ति के साथ उनको वेदांत का ज्ञान दिया। वो क्या करते हैं, जैसे मोटर उनका भूषण है, मकान उनका भूषण है, स्त्री उनका भूषण है, बढ़िया क्या करते हैं, जैसे मोटर उनका भूषण है, मकान उनका भूषण है, स्त्री उनका भूषण है, बढ़िया वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, वो उनका भूषण है ना। वैसे वो चाहते हैं कि ये वेदांत में जिस ब्रह्म ज्ञान का वर्णन है ना, वो भी हमारा भूषण हो करके रह जाए। तो जो ब्रह्म ज्ञान को अपना भूषण बनाना चाहता है, उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति जो होती है, जो पुरुष मेध करने को तैयार है, हो आपने अश्वमेध का नाम तो सुना ही होगा ना, जो पुरुष मेध करने को तैयार है, जैसे अश्वमेध में घोड़ा मारा जाता है बच्चा, है वैसे महाराज ये पुरुष, ये अहम जिसमें मारा जाता है, वो पुरुष मेध विद्या है। पुरुष मेध विद्या है ये नारायण, अहम को मारकर, छोटे अहम को मारकर तब अपने आप को ब्रह्म के रूप में जाना जाता है, तो ये परा विद्या है। अत परा ये सब विद्याओं को पोषण करने वाली है। प्रकृति उसी परा प्रिय पालन पोषण यो हो, जो संसार के संपूर्ण विद्याओं का पालन करे और पोषण करे उसका नाम परा है ना। देखो गोपियां मर गई और उन्होंने कृष्ण से प्रेम किया है ना, श्रुतियां मर गई उन्होंने ब्रह्म से प्रेम किया, वैज्ञानिक मर गया परंतु विज्ञान का एक सत्य दे गया। इस तरह जो अपने को मिटा करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रेरित हो, ये वेदांत विद्या का प्रेमी है, हो प्रेमी इसमें बलि देनी पड़ती है, आत्मबलि।
बामन बामन को जब बलि देता है ना, तब उसको विराट की प्राप्ति होती है। मध्य बामन मासीनम विश्वे उपासते ऊर्ध्वम प्राणम उन्नयति अपानम प्रत्यगच्छति। मध्य बामन मासीनम, हृदय में तुम्हारे परमेश्वर बैठा हुआ है, हमें तुम्हें बैरी ढूंढन चली। अरे किनारे गए तो ढूंढने गए उन्हें पाने के लिए, किनारे बैठ गए। मैंने सुना है ना कि उसने अपने गले में फांसी लगाने के लिए रस्सी लटकाई, तो लटकाई तो फिर उसको रस्सी को कमर में बांधा और कुर्सी तक से टूट पड़ा। वो तो मरा नहीं, जिंदा ही रहा। अब लोग आए बोले कि भाई ये क्या किया। बोले कि हमने खुदकुशी करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए ये जो रस्सी बांध के फांसी लगाती और ये कुर्सी करके नहीं तो टूट पड़ा। बोले पर ये रस्सी तुमने कमर में क्यों बांधी, अगर मरना ही था तो गले में बांधना चाहिए था। तो बोला कि गला तो दम घुट में लगा, गले में मैंने बांधा तो दम घुट में लगा। तो ये महाराज खुदकुशी भी करने चलते हैं, आत्महत्या भी करने चलते हैं और दर्द से डरते भी हैं। तो ये दर्द डरने से काम नहीं चलता। ये तो महाराज एक महात्मा हमारे कहते थे, एक दोनों हाथ उठा के जैसे कोई भृगु कथन करे ना, भृगु कथन वैसे खूब कथन करना। जब तक हर से अपना विवेक नहीं करोगे तब तक अक्षर की प्राप्ति कैसे होगी। यया तदक्षरम अभिगम्यते, वो ये विद्या है जिससे उस अक्षर वस्तु का ज्ञान होता है। अक्षर क्या है, न क्षरती, जिसका कभी क्षरण न हो, जिसमें नमक न लगे हो, है ना। नोना लगता है ना, नोना। मैंने यहाँ देखा बंबई में किसी किसी के घर में घीत में नोना लगा हुआ है तो नीचे से गल गल के घीत गिरती जाती है, नमक लग जाता है। तो ये खर और खार दोनों एक ही है, बोला खर और खार दोनों दो चीज नहीं है। तो जो चीज खरण होती है माने परिणामी है, विकृत होने वाली है, विकारी है, उसके जो विलक्षण है उसका नाम अक्षर है। और व्याकरण के महाभाष्यकार ने तो अक्षर शब्द का अर्थ बताया है, अस्मिते इति अक्षरम, अस्मिते व्यापनेति। तो चाहे किसी लिपि में लिखो, महाराष्ट्र लिपि में कहो, गुजराती लिपि में कहो, सिंधी लिपि में कहो, पंजाबी लिपि में कहो, तमिल में, तेलुगु में, किसी भी लिपि में लिखो, उसकी शकल चाहे कुछ हो गए ना, और उच्चारण में भी भेद होता है। उर्दू लिखी लिपि में लिखते हैं ना, देखो है ना, काफ बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, काफ बोलते हैं ना। और अंग्रेजी वाले जो है के बोलते हैं, उच्चारण में भी भेद है, आकृति में भी भेद है और उच्चारण में भी भेद है, परंतु अक्षर कह रहे बोले क है। और देखो अ जो है वो तो कितने चोले पहनता है, तो अक्षर उसको कहते हैं कि नाम रूप का भेद होने पर भी ये रही औरत, ये रहा मर्द, है ना। और दोनों में अक्षर एक है, ये रहा पशु और ये रहा मनुष्य, दोनों में अक्षर एक है। तो ये रहा श्याम और ये रहा रात, अक्षर दोनों में एक है, उसको बोलते हैं अक्षर। अस्मिते इति अक्षरम, ये पतंजलि का वचन है, अक्षर सब कुछ अर्थ है। तो यया तदक्षरम अधिगम्यते, अक्षर ब्रह्म है, अक्षर न करती अभिगम्यते का अर्थ है प्राप्यते। अभिपूर्वक जो गम धातु है उसका अर्थ प्राय होता है प्राप्ति। अधिगम माने प्राप्ति, द्रव्याधिगम भी होता है ना, द्रव्य का अधिगम हुआ, देशाधिगम भी होता है, अर्थाधिगम भी होता है। अधिगम माने प्राप्ति, तो जिससे अक्षर का अधिगम हो माने अक्षर की प्राप्ति हो। तो यहाँ अधिगम और प्राप्ति दो नहीं होती। ये देखो आपको ये बात सुना रहा कि दूसरे के बारे में जब अच्छाई का ज्ञान हुआ तो उसके पास जाना हुआ, और जब बुराई का ज्ञान हुआ तब है ना, तब उसको छोड़ के भगे। अब देखो एक ज्ञान अपने बारे में हो गए कि मैं ऐसा हूं,
तो क्या करोगे अपने को, है ना? अगर बुरा जानोगे तो उस बुराई को छोड़ने की कोशिश करोगे, है ना? और अच्छाई जानोगे तो अच्छाई रखने की कोशिश करोगे। तो अच्छाई रखने की कोशिश क्यों करते हो? इसलिए कि उसको जाने का डर है। और बुराई को भगाने की कोशिश क्यों करते हो? क्योंकि वो भागने वाली है। तो इसका मतलब ये अच्छाई बुराई दोनों आगंतुक है। अभी तुमने अपने आप को नहीं जाना। अपने आप को जब जानोगे तब क्या करोगे? उसको अपने आप को छुड़ाना चाहोगे, तो अपने आप को पाना चाहोगे। तो अपना आप तो मिला हुआ है, न छोड़ने का है न पाने का है। तो आत्मज्ञान जो होता है उसके बाद प्राप्ति परिहार की इच्छा नहीं होती कि उसको प्राप्त करें है कि छोड़े। उसके लिए प्रयत्न नहीं होता, वो फल भी उसको नहीं मिलता, वो तो स्वयं प्राप्त है। तो आओ अब इस अक्षर तत्व की चर्चा करें। वो अक्षर तत्व कैसा? जब तब अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम आदरणम अतत्सुश्रोत्रम तदपाणिपादम यदृश्यम। अदृश्यम का अर्थ है अदृश्यम है। अदृश्यम का क्या अर्थ है? ज्ञान इंद्रिय से बुद्धि इंद्रिय से दृश्य नहीं है। और अग्राह्यम का अर्थ क्या है? अलग अलग देखो पकड़ना। कर्म इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य नहीं है। ग्राह्य होता हाथ से चश्मे को ग्रहण किया, है ना? तो चश्मा क्या हुआ? ग्राह्य हुआ। परमात्मा अभी अक्षर कहता है तो हाथ से ग्राह्य नहीं है। तो हाथ से ग्राह्य नहीं है माने पांव से भी ग्राह्य नहीं है, बोला। और अक्लीन इंद्रियों से भी ग्राह्य नहीं है। और नारायण बोल की वाणी से भी ग्राह्य नहीं है। न तत्र बाग गच्छति, वाणी तो वहां जाती ही नहीं। तो अग्राह्य माने कर्मेंद्रिय से अग्राह्य, और अदृश्य माने अदृश्य, ज्ञान इंद्रिय से अदृश्य। अक्षर वस्तु है, क्योंकि जो जो दृश्य होगा वो क्षर होगा, जो जो ग्राह्य होगा वो क्षर होगा, वो अक्षर तो होगा ही नहीं। सब आपको अदृश्यम अग्राह्यम ये बताता है। तो अदृश्य और अग्राह्य, अदृश्य और अग्राह्य ये परमात्मा को क्यों बताया? तो जो जो दृश्य होता है सो परिच्छिन्न होता है, और जो जो ग्राह्य होता है सो परिच्छिन्न होता है, वो ब्रह्म नहीं होता। ये विदेशी के लिए शुरू शुरू में ये बात ध्यान देने लायक है। तो बोले ज्ञान इंद्रियां भी परिच्छिन्न है। एक समय ऐसा आएगा, देखो कुछ किसी को इशारा कर रहा, एक बार हम लोग सब दृश्यम, देखो इंद्रिया हमारी परिच्छिन्न होती है ना, तो कहे कोई कि हम आंख से पूर्ण वस्तु को देख लेंगे, कैसे देखेगा? आंख से तो पूरा रूप नहीं दिखता है, और थोड़ी दूर हो तो रूप आंख से नहीं दिखेगा, थोड़ा सूक्ष्म हो तो आंख रूप से नहीं दिखेगा, तो दूरता की उपाधि हो कभी नहीं दिखेगा, सूक्ष्मता का उपाधि हो कभी नहीं दिखेगा, और काल की उपाधि हो पांच बरस पहले वाला हो तो वो भी आंख से नहीं दिखेगा। तो पांच बरस पहले वाला नहीं दिखेगा, पांच मील दूर वाला नहीं दिखेगा है, और जो महीन स्पर्म होगा वो भी नहीं दिखेगा। अब बोला आंख क्या बतावेगी? आंख का ब्रह्म बतावेगी, है ना? ये तो महाराज लोग जो है अपने अपने बेटे का नाम ब्रह्म रख लेते हैं। देखा ऐसी केस में कई ऐसे साधु हैं जिनका नाम सिद्ध सिद्ध ब्रह्म, हमारे सिद्ध देव रहे हैं रामघाट में, उनका नाम शुद्ध हो। एक का नाम है नित्य प्रकाश, साधु नहीं है, गृहस्थ है, बच्चे हैं। अब बच्चे का है दो दो चार चार बच्चे के पाप हो गए, और महाराज कोई बहुत भले हो तो बात नहीं, पर नाम है शुद्ध बोध, नाम है नित्य प्रकाश, अर्थ से कोई संबंध नहीं। और ये ब्रह्म शब्द जो है ना, ये तो संपूर्ण परिच्छिन्नता का निषेध करके समझने योग्य है। इस संबंध में ये प्रश्न है,
ये तुम वेद के बारे में जो ये बात कहते हो कि ऋग्वेद अपरा विद्या है और अक्षर विद्या जो है वो परा विद्या है, तो क्या अक्षर विद्या और वेद विद्या ये दो विद्या है? कल एक वैदिक विद्वान आए थे हमारे पास, वेद के बड़े अच्छे संगत थे, तो वो अनुसंधान कर रहे हैं। अब उन्होंने बताया कि कई अंग्रेज विद्वानों ने ये लिखा है कि ये जो हिंदी लोग भारतीय लोग वेद 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 बोलते रहते हैं, ये वेद का नाम तो लेते हैं पर वेद को मानते नहीं। तो क्यों वेद को नहीं मानते? तो उसने कहा कि गीता में तो लिखा है कि त्रैगुण विषया वेदा, अंग्रेज में लिखा है वेद जो है वो त्रैगुण विषयक है और हम नहीं, तुम नहीं निस्त्रैगुण हो, तो चलो वेद तो छूट गया, तो वेद बाह्य मत हो गया, गीता का मत वेद बाह्य हो गया, ऐसे बोला लिखा है उसने। अब यहाँ बोले तो ऋग्वेद यजुर्वेद आदि तो अपरा विद्या है और ये अक्षर विद्या है, तो ये वेद बाह्य विद्या हो गई। तो हम ये मानते हैं कि हिंदू लोग भारतीय लोग अक्षर विद्या को मानते हैं परंतु वेद विद्या को नहीं मानते है? क्या ये गीता को मानते हैं परंतु वेद को नहीं मानते, क्योंकि गीता में तो वेद की निंदा है? हे भगवान, है ना। अब वेद को कायदे से पढ़े बिना वेद का अभिप्राय तो मालूम होता नहीं है। ये वेद में एक ये वैज्ञानिक बात है, ये भी एक वैज्ञानिक बात है, क्योंकि देखो अद्वितीय ब्रह्म तत्व निर्गुण निर्विशेष निर्विकार में जितना भी वर्णन होगा वो संकेत से होगा। आप देखो बिना संकेत से तो कोई वर्णन होगा नहीं, माने कल्पित रीति से वर्णन होगा। संकेत रीति से जो वर्णन होता है, कल्पित रीति से जो वर्णन होता है, वो जब तक संकेत बताया न जाए तब तक समझ में नहीं आता है। यदि आंख से ब्रह्म का ग्रहण होता तो बिना बताए तो देख लेता, यदि जीभ से ब्रह्म का स्वाद आता तो जैसे अंगूर का स्वाद और इमली का स्वाद और आम का स्वाद हम जीभ से पहचानते हैं, ऐसे ब्रह्म का स्वाद भी पहचान लेते, लेकिन ये बात तो है नहीं। तो तब नारायण ये बात है कि बिना हमारे संकेत को समझे कोई बात को समझ नहीं सकता। तो वेद में दो बात है, एक अर्थ प्रधान वेद है और एक शब्द प्रधान वेद है। तो ज्ञान तो अपौरुषेय होता ही है, आपको देखो बताते हैं, है ना। ज्ञान जो है ना, ज्ञान अच्छा कोई कहे कि ईश्वर ने ज्ञान बनाया, आप बता सकते हो कि ईश्वर ने ज्ञान बनाया कि नहीं? आपकी समझ में आने लायक बात है। अच्छा जिस दिन ईश्वर ने ज्ञान बनाया उसके पहले ईश्वर के पास ज्ञान था कि नहीं था? अगर कहो कि ज्ञान बनाने के पहले ईश्वर के पास ज्ञान नहीं था तो ईश्वर अज्ञानी होगा ना। बिना ज्ञान का ईश्वर नहीं होता, बिना ज्ञान का ईश्वर नहीं होता। ईश्वर की सिद्धि भी ज्ञान से होती है। तो नारायण को ज्ञान का निर्माता ईश्वर नहीं होता, ये बात आप समझ लो। तो ज्ञान जो है वो ईश्वर के द्वारा भी निर्मित नहीं होता, स्वतः सिद्ध होता है। अब वेद जब उसी ज्ञान का प्रतिपादन करता है, उसी ज्ञान का प्रतिपादन करता है, तो ज्ञान को तो अपौरुषेय बताता ही है, स्वयं अपौरुषेय ज्ञान का प्रतिपादक होने से स्वयं भी अपौरुषेय हो जाता है। अपौरुषेय ज्ञान और अपौरुषेय ज्ञान में क्या फर्क होता है? बड़ा मजेदार है। आदमी अपने अंतःकरण से जब किसी चीज को जानता है तो भ्रम होता है, प्रमाद होता है, विप्रलिप्ता होती है, कर्मापात होता है, कई दोष होते हैं अंतःकरण में। और ईश्वर में तो ये सब कोई दोष है नहीं। वेद जो है उसमें भ्रम नहीं, प्रमाद नहीं, विप्रलिप्ता नहीं, कर्मापात नहीं। तो अब ये वेद जो है इसके दो विभाग कर दिए, है ना। जो जिज्ञासु है, निवृत्ति परायण है, विरक्त है, उनके लिए अर्थ ज्ञान, और जो है ना जो
ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, यज्ञोपवीतादि संस्कार संपन्न हैं, वे शब्द से युक्त होकर के शब्द ज्ञान पहले प्राप्त करें। तो शब्द ज्ञान की परंपरा की रक्षा के लिए अपराविद्या उसको कहते हैं और अर्थ ज्ञान की परंपरा की रक्षा के लिए उसको पराविद्या कहते हैं। उसमें अक्सर ब्रह्म तत्व को समझाते हैं। तो अब ये बात जो है वो आपको कल सुनाऊंगा।